अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको चना पुलाव बनाने की रेसिपी दिखाऊंगी। 2 ग्लास चावल हैं जिसमें हम एक प्याज डालेंगे, तकरीबन दो से तीन टमाटर डाल लेंगे और 2 टेबलस्पून जो है वो अदरक के होंगे और 2 टेबलस्पून जो है ना वो इसके अपनी मिर्च के होंगे, ग्रीन मिर्च के। ऑयल हमने किया हुआ है गरम। अब चीज़ें जो है प्याज, टमाटर, अदरक और ग्रीन मिर्च जो है ऐड करेंगे। दो ग्लास चावल में हम तकरीबन 1 ग्लास जो है चने का डालेंगे, जो मैंने पहले ही बॉयल करके रखे हुए हैं। वीवर, हमारा मसाला जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून नमक की, आधी टेबल स्पून सूखे धनिए की, 2 टेबलस्पून जीरे की, 2 इलायचियाँ जो है अपना ब्लैक कलर की, 3 या 4 लौंग, थोड़ी सी ये देखें जितनी है ना, तकरीबन 2-3 छोटे छोटे पीस जो हैं इसके, 3-4 जो है ना अपना दालचीनी के, आधा टेबल स्पून जीरे का और आधा इंच टेबल स्पून जो है वो हल्दी का। फिर मसाला हमारा देखा कितने मज़े का कलर इसका निकला है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे चने। हम इसको तकरीबन 2 या 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही, तो फिर इसमें हम जो चावल ऐड करेंगे। या फिर हमारे अभी चने जो है तकरीबन गल चुके हैं, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 ग्लास जो है वो चावल के थे, उसमें हम तकरीबन 2.5 ग्लास जो है वो पानी के ऐड करेंगे। अभी हम राइस डालेंगे, पानी उबल चुका है। अब हम राइस दम पे लगा देंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम दम पे रहने देंगे इसको। राइस हमारे तैयार हो चुके हैं।